नमस्कार साथियों, मॉडर्न गार्डन टेक्निक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको हमारे फार्म हाउस के ऊपर जो हमने आंवले के पेड़ लगा रखे हैं उनके बारे में हम पूरी संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। ये हमने 17 बीघा के अंदर आंवले के पेड़ लगा रखे हैं। जैसे आपको ये सब हम दिखा रहे हैं, ये हमारे खुद के पर्सनल खेत में ये आंवले लगे हुए हैं। ये अभी 1.5 साल के लगभग के हो चुके हैं। कुछ पौधे इनमें नष्ट हो चुके थे, उनकी जगह पे हमने ऐसे दूसरे पेड़ लगाए हैं। जैसे ये हमने ताज़ा पेड़ लगाया है, बाकी आप देख रहे हैं लगभग सारे पेड़ 4 से 5 फीट के हाइट के हो चुके हैं। हमने इसमें ड्रिप सिस्टम लगा रखा है और ड्रिप सिस्टम भी हमने इसमें लगभग 4-5 फीट नीचे गहरा ज़मीन में परमानेंट ड्रिप सिस्टम लगा रखा है। इसके ऊपर भी हम खेती करते हैं, जैसे आप देख रहे हैं इसमें हमारे आपको ड्रिप सिस्टम दिखाई नहीं दे रहा होगा। दोस्तों, सर्दियों का टाइम शुरू हो चुका है। शीतकाल के अंदर सबसे बड़ी जो समस्या है आंवले के पेड़ में जो होती है वो है सर्दी से बचाव। अगर हम सर्दी से बचाव नहीं करेंगे तो ये पेड़ जल जाएंगे और इसकी फसल जो आएगी वो 2 साल पीछे चली जाएगी। और इससे सर्दी से बचाव के बाद में एक दूसरा और है, इसमें सबसे बड़ी समस्या जो किसान भाइयों को झेलनी पड़ती है, उसका सामना करना पड़ता है, वो है पशुओं से बचाव। जो नील गाय वगैरह जो होते हैं, नील गाय वगैरह इसके ऊपर से इसको खा जाते हैं। खाने के बाद में ये जैसे इसको नीलगाय खाएगी और ये 3-4 साल पीछे पौधा बैक चला जाएगा। तो सबसे पहले ज़रूरी है अपने खेत के चारों तरफ ऐसी बाउंड्री करना जिससे कि पशुओं से, जंगली पशु हैं उनसे इसका बचाव हो सके। जैसे हम हमारे खेत के अंदर चारों तरफ इनके बचाव के लिए, देखो ये हम खम्बियाँ गाड़ रहे हैं, ये देखो आप, ये हम अभी लगा ही रहे हैं ये। और इसके तो जो हमारी जो बाउंड्री है, खेत की जो बाउंड्री है उसके चारों तरफ इसके जाल के पास पास में हम ये केरुंदा जो होता है उसके पेड़ लगा रहे हैं। केरुंदा एक ऐसा पेड़ है, इस ये अपने नील गाय और गाय वगैरह रोज वगैरह जो होते हैं जिसको हम बोलते हैं, उनसे भी हमारा खेत पेड़ पौधों का बचाव करती है। इस तरह से ये देखो हमने चारों तरफ इसके ये खम्बियाँ हमने रोप दी हैं और अब हम इसके पौधे के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। ये पौधा 1.5 साल का हो चुका है। हमने इसमें कई प्रकार के फंगीसाइड वगैरह समय समय पर हम आवश्यकता अनुसार जिस प्रकार की आवश्यकता महसूस होती है उस प्रकार के हम इसमें फंगीसाइड का उपयोग करते रहते हैं। ये कुछ पेड़ तो 6 फीट के लगभग हो चुके हैं और कुछ पेड़ 5 फीट के हैं। इनमें कुछ जल भी गए, उनकी जगह हमने दूसरे लगाए हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे हमने ये 2 लाइनें लगा रखी हैं, इन 2 लाइनों के बीच में ये वाली जो बीच वाली लाइन है इसमें हमने नींबू के पौधे लगा रखे हैं। दोस्तों, आंवले हमने 20-20 फीट की दूरी पे लगाए हैं और जो नींबू हैं वो नींबू हमने इन 20 फीट के बीचों बीच जो 4 आंवले हो गए, 4 आंवले के पेड़ के बीचों बीच हमने एक नींबू का पौधा लगाया है। मतलब समान दूरी पर जो चारों पौधे हैं, जो उनके बीचों बीच जो जगह है उसमें हमने देखो ये पौधे लगाए हैं। ऐसे इस बार हम इनका सर्दी से बचाव कर लेंगे तो आगे हमें इनको देखने की ज़रूरत नहीं होगी। कुछ पेड़ जो जल चुके थे, मर गए थे, उनको हमने दूसरा रीप्लांट किया है और
ये देखो पूरे खेत में हम इसमें खेती भी करते हैं, फसल भी लगाते हैं, फसल के साथ साथ में हम इसमें आंवले भी हमने लगा रखे हैं। ये देखो दोस्तों, बीस बाई बीस की दूरी के अंदर हमने आंवले लगाए हैं, पूरे खेत में हमने आंवले लगाए हैं 17 बीघा के अंदर। और इसके ऊपर जो ये फ्रूट, इसके ऊपर अगले साल इसके ऊपर फ्रूट आना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये 1.5 साल का हो चुका है, 2.5 और 3 साल के लगभग इनमें फ्रूट आना स्टार्ट हो जाते हैं। ये हमने यहाँ पे इनमें जो ड्रिप सिस्टम जो हमने लगाया है, ड्रिप सिस्टम के लिए अलग से हमने एक पाइप ज़मीन में दबाया है। आंवले की खेती के बारे में आपको और भी किसी भी प्रकार की राय लेनी हो या कुछ जानकारी लेनी हो तो आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर कमेंट्स बॉक्स में लिखें अपने मोबाइल नंबर, हम आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करा देंगे। ये देखें, ये खम्बियाँ हमने 10-10 फीट के ऊपर लगाई हैं। इन 10 फीट के ऊपर जो खम्बियाँ लगाई हैं, इसमें जाल जो हमने इसमें लगाएंगे लोहे का जाल, उसमें क्या है कि ये उसको आसानी से कोई भी जंगली पशु जैसे नीलगाय वगैरह हैं वो इसको तोड़ नहीं पाएंगी। ये देख, ये हमने इसमें हमारे पूरे खेत में हमने ये आंवले लगा रखे हैं। वीडियो कैसा लगा दोस्तों हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आंवले की खेती के बारे में, आंवले की बागवानी के बारे में आपको किसी भी प्रकार की राय लेनी हो या कोई जानकारी लेनी हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, बने रहें हमारे YouTube चैनल पे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना कभी नहीं भूलें।